नमस्कार, मैं हूँ ईशा आनंद और फ्राइडे फेबल में आप सबका स्वागत है। आज की फ्राइडे फेबल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जो हम सब ने सुनी भी है और बहुत बार पढ़ी भी है। कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ। अध्यापक होने के साथ साथ मेरी रुचि बहुत सारी चीज़ों में है, जैसे कि कविताएं लिखना, सुनना, साहित्य पढ़ना। इसके अलावा मैं एक नेचुरोपैथी की स्टूडेंट भी हूँ और प्रैक्टिशनर भी हूँ। आज जो कहानी हम लेने जा रहे हैं, उनके जो लेखक हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक हुए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके रचे हुए दो गीत दो देशों के राष्ट्रगीत हैं। बिल्कुल सही, पहला हमारा भारत और हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, और दूसरा है बांग्लादेश और उसका राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला। ये दोनों ही रचनाएं, ये दोनों ही जो गान हैं, श्री रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे गए हैं। गुरुदेव की रचना पढ़ने से पहले मैं गुरुदेव के ही लिखी हुई कुछ पंक्तियों को, जो कि बांग्ला में है, कोशिश करती हूँ कि आपके समक्ष रख पाऊँ और आज का जो स्टोरी फेबल का कारवा है वो शुरू कर पाऊँ। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। आशा होलो ओमेन धरोनर पाखी जे बोरोर अंधकारो प्रकाश के अनुभव कारो। मैं भी दोबारा दोहराती हूँ। आशा होलो ओमन धरोनर पाखी जे भोरोर अंधकारो प्रकाश के अनुभव करो। इसका अर्थ है, उम्मीद एक ऐसा पक्षी का रूप है जो भोर का अंधकार सुबह के अंधकार में भी हमें प्रकाश का अनुभव करवाता है। इन पंक्तियों के साथ मैं आज की कहानी का शीर्षक आपको बता दूं। आज की कहानी का शीर्षक है काबुलीवाला। जी हाँ, ये कहानी एक अफगानी पठान की है और एक बंगाली परिवार की है। ये बंगाली परिवार कोलकाता में रहता है और ये अफगानी पठान अफगान से सूखे मेवे बेचने के लिए कोलकाता आता है। इस बंगाली परिवार की 5 वर्षीय बिटिया, जी हाँ 5 वर्षीय छोटी बिटिया मिनी की बात करेंगे। मिनी और काबुली वाले की जो दोस्ती है, जो रिश्ता है, उस पर आधारित है ये कहानी। तो चलिए आज की फ्राइडे फेबल में शुरू करते हैं काबुली वाला। कहानी कुछ इस तरह है। काबुली वाला, रचना रविंद्रनाथ टैगोर। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से पल भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। दुनिया में आने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही वर्ष लगाया होगा। उसके बाद से जितनी देर तक सो नहीं पाती है, उस समय का एक पल भी वह चुप्पी से नहीं रह पाती है। उसकी माता बहुधा डांट फटकार कर उसकी चलती हुई जुबान बंद करवा देती है, किंतु मुझसे ऐसा नहीं होता। मिनी का मौन मुझे ऐसा अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है कि मुझसे वह अधिक देर तक सहा नहीं जाता, और यही कारण है कि मेरे साथ उसके भावों का आदान प्रदान कुछ अधिक उत्साह के साथ होता रहता है। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें अध्याय को हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर कहना आरंभ कर दिया, बाबा रामदयाल दरबान कल काव को कौ कहता था, मैं कुछ भी नहीं जानता, है ना बाबा। विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ बताने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया, बाबा
भोला कहता था, आकाश मुंह से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबा, भोला झूठा झूठा कहता है ना, खाली बकबक किया करता है, दिन रात बकबक किया करता है। इस विषय में मेरी राय की तनिक भी राह ना देखकर चट से धीमे स्वर में एक जटिल प्रश्न कर बैठी। बाबूजी, माँ तुम्हारी कौन लगती है? उसके इस प्रश्न का उत्तर देना किसी भी भंवर में फंसने के बराबर था, इसलिए मैंने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा, मिनी तू जा, भोला के साथ खेल, मुझे अभी काम है। अच्छा? तब उसने मेरी मेज के पार्क में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटने और हाथों को हिल हिलाकर बड़ी शीघ्रता से मुंह चलाकर अटकन बटकन दही चटा के कहना आरंभ कर दिया। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। सहसा मिनी अपनी अटकन बटकन को छोड़कर कमरे की खिड़की के पास दौड़ कर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैले कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कांधे पर सूखे फूलों की मैली झोली उठाए, हाथ में अंगूरों की कुछ पेटियां लिए एक लंबा सा तगड़ा सा काबुली वाला धीमी सी चाल से चलता हुआ सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी बेटी के हृदय में कैसे भाव उदय हुए यह बताना असंभव है। उसने जोरों से पुकारना शुरू किया। मैंने सोचा अभी झोली कांधे पर डाले सिर पर एक मुसीबत आ खड़ी होगी और मेरा 17वां अध्याय आज अधूरा रह जाएगा। किंतु मिनी के चिल्लाने पर जो ही काबुली वाले ने हंसते हुए उसकी ओर मुंह फेरा और घर की ओर बढ़ने लगा, त्यों ही मिनी भय खाकर भीतर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि वह कहाँ छिप गई। उसके छोटे से मन में वह अंधविश्वास बैठ गया था कि उस मैली कुचैली झोली के अंदर ढूंढने पर उस जैसे और भी जीती जागतियां बच्चियां निकल सकती हैं। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने सोचा वास्तव में प्रताप सिंह और कंचन माला की दशा अत्यंत संकटतापन होगी, फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ ना खरीदना अच्छा ना होगा। कुछ सौदा खरीदा गया। उसके बाद मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। आखिर में उठकर जाते हुए उसने अपनी मिली जुली भाषा में पूछा, बाबूजी आपकी बच्ची कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से व्यर्थ का भय दूर करने के लिए उसे भीतर से बुलवाया। वह मुझसे बिल्कुल सटक कर काबुली के मुख और झोली की ओर संदेह से देखती हुई खड़ी रही। काबुली ने झोली में से किसमिस और खुबानी निकाल कर देना चाहा, पर उसने नहीं लिया और दुगने संदेह के साथ मेरे घुटनों से लिपट गई। काबुली वाले से उसका पहला परिचय इस प्रकार हुआ। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे मैं किसी अवश्य कार्य से घर से बाहर जा रहा था। देखूं तो मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से हंस हंसकर बातें कर रही है और काबुली उसके पैरों के समीप बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ उन्हें ध्यान से सुन रहा है और बीच बीच में अपनी राय मिली जुली भाषा में व्यक्त करता जा रहा है। मिनी को अपने 5 वर्ष के जीवन में बाबूजी के सिवा ऐसा धैर्यवान श्रोता शायद ही कभी मिला हो। मिनी की झोली बादाम और किसमिस से भरी हुई थी। मैंने काबुली से कहा, इसे ये सब क्यों दे दिया? अब कभी मत देना। कहकर कुर्ते की जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बिना किसी हिचक से अठन्नी लेकर अपनी झोली में रख ली। कुछ देर बाद घर लौटकर देखता हूँ तो उस अठन्नी ने बड़ी भारी मुसीबत खड़ी कर रखी थी।
घर में उपद्रव खड़ा हो रखा था। मिनी की माँ एक सफेद चमकीली गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डांट डपट कर मिनी से पूछ रही थी, तूने ये अठन्नी कहाँ से पाई, बता। मिनी ने कहा, काबुली वाले ने दे दी है। काबुली वाले से तूने अठन्नी ली कैसे, ये बता। मिनी ने रोने का उपक्रम करते हुए कहा, मैंने मांगी नहीं थी, उसने अपने आप ही दे दी। मैंने जाकर मिनी को इस मुसीबत से बचाया और उसे बाहर ले गया। पूछने पर मालूम हुआ कि इस दौरान में काबुली वाला रोज आता रहा है और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर बहुत अधिकार कर लिया है। देखा है कि इस नए मित्रता में बंधी हुई बातें और हंसी ही प्रचलित है। जैसे मेरी बिटिया रहमत को देखती है, हंसती हुई पूछती है, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है। काबुली, जिसका नाम रहमत था, एक अनावश्यक चंद्रबिंदु जोड़कर मुस्कुराता हुआ उत्तर देता है, हाँ बिटिया। उसके परिहास का रहस्य क्या है, यह तो पता करना मुश्किल था। फिर भी इन नए मित्रों को इनसे तनिक विशेष खेल सा प्रतीत होता है और जाड़े के प्रभाव में एक सयाने और एक बच्ची की सरल हंसी सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। दोनों मित्रों से एक ही बात झलकती है, वो है आपस में घनिष्ठ प्रेम। रहमत मिनी से कहता है, तुम ससुराल कभी नहीं जाना, अच्छा। हमारे देश की लड़कियों को जन्म से ही ससुराल शब्द का परिचय दे दिया जाता है, किंतु हम लोग कुछ नई पीढ़ी के होने के कारण इतनी सी बच्ची को ससुराल के विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहते थे। अतः रहमत का अनुरोध वह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाती थी, पर जब भी वह बात करता तो वह उत्तर देती, तो तुम ससुराल जाओगे क्या। इससे रहमत अपने हंसी से टालता और वो कहता, ससुराल में जाकर ससुर को जबरदस्त घूसा मारूंगा। अब मिनी ससुर नामक किसी अनजान जीव की दुर्व्यवस्था की कल्पना करते हुए खूब हंसती। देखते ही देखते जाड़े की सुहावनी रुत आ गई थी। मिनी की माँ बड़ी ही वहमी किस्म की थी। राह में किसी प्रकार का शोरगुल हुआ नहीं तो उसको समझ में लगता था कि सारे संसार भर के सारे मस्त शराबी हमारे घर की ओर दौड़े आ रहे हैं। उसके विचारों में यह दुनिया इस छोर से उस छोर तक चोर डकैत मस्त शराबी सांप बांघ रोगों मलेरिया तिल चिट्टा और अंग्रेजों से भरी पड़ी है। इतने दिन हुए इस दुनिया में रहते हुए पर उसका मन यह रोग दूर ना कर पाया। रहमत काबुली की ओर से भी वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उस पर विशेष नजर रखने के लिए मुझसे बार बार अनुरोध करती रहती। जब मैं उसके शव को परिहास के आवरण से ढकना चाहता तो मुझसे एक साथ कहीं कई प्रश्न पूछ बैठती, क्या कभी किसी का लड़का नहीं चुराया गया, क्या काबुल में गुलाम नहीं बिकते, क्या एक लंबे तगड़े काबुली के लिए एक छोटे बच्चे का उठा ले जाना असंभव है, इत्यादि। मुझे मानना पड़ता है कि ये बात बिल्कुल असंभव नहीं है। भरोसा करने की शक्ति सब में समान नहीं होती। अतः मिनी की माँ के मन के भय को देखते हुए ऐसा लगता था कि मैं काबुली वाले को घर आने से रोक दूं, पर मुझसे ये हो ना सका। हर वर्ष रहमत माघ के मास में लगभग अपने देश लौट जाता। इस समय वे अपने व्यापारियों से रुपया पैसा वसूल करने में लग जाता और हर घर और दुकान घूम घूम कर जाता और अपने पैसों की वसूली करता। देखने से तो ऐसा प्रतीत होता था कि वह अब मिली से मिल नहीं पाता, पर ऐसा लगता था मानो दोनों का कोई षड्यंत्र हो। जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता उस दिन मैं देखता हूँ कि वह संध्या को हाजिर होता है। अंधेरे में घर के कोने में एक ढीले ढाले जामा पैजामा पहने हुए
झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच में मन में अचानक सा भय पैदा हो जाता। लेकिन जब देखता हूँ कि मिनी ओ काबुली वाले पुकारती हुई हंसती हंसती दौड़ती आती है और दो भिन्न भिन्न आयु के असमय मित्रों में वही पुराना हास परिहास चलने लगता है, तब मेरा सारा हृदय खुशी से नाच उठता है। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा नए पुस्तक के प्रूफ को देख रहा था। लगभग 8 बजे का समय होगा। सिर से मफलर को ढके हुए उषाचरण सवेर की सैर करके घर को लौट रहे थे। ठीक इस समय राह में एक बड़े जोर से शोर सुनाई दिया। देखूं तो अपने उस रहमत को दो सिपाही बांध कर ले जा रहे थे। उनके पीछे बहुत से तमाशाई बच्चे झुंड लगा कर आ रहे थे। रहमत के ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग थे और सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा, क्या बात है भाई, कहाँ जा रहे हो? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत से सुना कि हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से रामपुरी चादरें खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उसकी और बाकी थे, जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया था। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर घोंप दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द सुना रहा था। इतने में काबली वाला ओ काबली वाला पुकारती हुई मिनी घर से बाहर निकलती। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतुक हास्य से चमक उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, अतः झोली के बारे में दोनों मित्रों की असभ्य आलोचना ना चल सकी। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा, हाँ वही तो जा रहा हूँ। रहमत ताड़ गया कि उसका यह जवाब मिनी के चेहरे पर हंसी ना ला सकेगा, और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। छुरा चलाने के जुर्म में रहमत को कई वर्ष का कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। एक स्वाधीन पर्वतों पर घूमने वाला आदमी कारागार के प्राचीरों के अंदर कैसे वर्ष पर वर्ष काट रहा होगा, यह बात हमारे मन में कभी नहीं उठी। और चंचल मिनी का आचरण तो और भी लज्जाप्रद हो गया था। वह यह बात उसके पिता को माननी पड़ेगी। अब वह अपने बाबा के लिखने के कमरे में भी दिखाई नहीं देती, मानो कि उसका बाबा से नाता ही टूट गया हो। कितने ही वर्ष बीत गए, वर्षों के बाद आज फिर शरद ऋतु आई। मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा। कैलाश वासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी भी माँ बाप के घर में अंधेरा करके ससुराल चली जाएगी। सवेरे सूर्यदेव बड़े सज धज के साथ निकले। वर्षों के बाद शरद ऋतु की यह नई धवल धूप सोने में सुहागा का काम दे रही थी। कलकत्ता की संकरी गलियों के परस्पर सटे हुए पुराने टूटे फूटे घरों के ऊपर इस धूप की आभा अनोखा प्रकाश और सौंदर्य बिखार रही थी। हमारे घर पर सूर्यदेव के आगमन से पूर्व ही शहनाई बज रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे यह मेरे हृदय की धड़कनों से रो रो कर बज रही हो। उसकी करुण भैरवी रागिनी मानो मेरी विच्छेद पीड़ा को जाड़े की धूप के साथ सारे ब्रह्मांड में फैला रही हो। मेरी मिनी का आज विवाह है। सवेरे से घर में भवंडर बचा हुआ था। हर समय आने जाने वालों का ताता बंधा हुआ था। आंगन में बांसों का मंडप लगाया जा रहा है।
हरे कमरे और बरामदे में झाड़न फानूस लटकाए जा रहे हैं और उनकी टक-टक की आवाज़ मेरे कमरे में आ रही है। चलो रे, जल्दी करो, इधर आओ। और न जाने कितनी ऐसी आवाज़ें जिनकी गिनती ना थी। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करके खड़ा हो गया। पहले तो मैंने उसे पहचाना नहीं। उसके पास ना तो झोली थी और ना पहले जैसे लंबे लंबे बाल और ना चेहरे पर पहले जैसी दिव्य ज्योति थी। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ। सुनते ही ये शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ गया। मेरी यह इच्छा होने लगी कि मैं आज इस शुभ दिन में इस इंसान को यहाँ से लौटने के लिए कह दूँ। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में कुछ आवश्यक काम है, सो आज मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। आज तुम जाओ और फिर आना। मेरी बात सुनकर वह उसी क्षण जाने को तैयार हो गया, पर दरवाजे के पास आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला, क्या बच्ची को तनिक नहीं देख सकते? शायद उसे ये विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही बच्ची ही बनी होगी। उसने सोचा कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुली वाले ओ काबुली वाले पुकारती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के पहले हास परिवास में किसी प्रकार की रुकावट ना होगी। यहाँ तक कि पहले की मित्रता की याद करके वह एक पेटी अंगूर और एक कागज़ में कुछ दाने किशमिश और बादाम लाया था। उसकी पहले जैसी मैली कुचैली झोली आज दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, सो यह भेंट किसी और दिन हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया। उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरे मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे हृदय में न जाने एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वह स्वयं आ गया। वह पास आकर बोला, ये अंगूर और कुछ किशमिश और बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहेब, हमेशा याद रहेगी, पीसा रहने दीजिए। तनिक रुककर फिर बोला, बाबू साहेब, आपके जैसी मेरी भी देश में एक बच्ची है, मैं हमेशा उसकी याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा लाया करता हूँ, मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। कहते हुए उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तहें खोलकर दोनों हाथ से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तेल चित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी काली सिहाई लगाकर कागज के ऊपर उसका निशान ले लिया गया है। अपनी बेटी के इस स्मृति पत्र को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कलकत्ता की गली कूचे में सौदा बेचने के लिए आता है और तब वह कालिक चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल हृदय में अमृत उड़ेलता रहता है। देखकर मेरी आंख भर आई और फिर मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि वह मामूली काबुली मेवे वाला है
और मैं एक उच्च वंश का रईस। तब मुझे ऐसे लगने लगा कि जो वह है वही मैं हूँ, वह भी एक पिता है और मैं भी। उसकी पर्वतवासिनी छोटी बच्ची की निशानी मेरी ही मिनी की याद दिलाती है। मैंने तत्काल ही मिनी को बाहर बुलवाया, हालांकि इस पर अंदर घर में आपत्ति हुई, पर मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मिनी मारे लज्जा से सिकुड़ती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उस अवस्था में देखकर रहमत काबुल पहले तो सक पका गया। उससे पहले जैसे बातचीत ना करते बना, बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही हो क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी, अतः अब उससे पहले की तरह उत्तर देते ना बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा के उसके कपोल लाल हो उठे। उसने मुंह फेर लिया और मुझे उस दिन की याद आ गई जब रहमत के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक पीड़ा की लहर दौड़ आई। मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक साफ हो गई कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी पड़ेगी। संभावत है वह उसे पहले जैसी नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। सवेरे के समय शरद की स्निग्ध सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक नोट निकालकर उसके हाथ में दिया और कहा, रहमत तुम देश चले जाओ अपनी बेटी के पास, तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद विवाह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2-1 अंक छांट कर देने पड़े। जैसे कि मन में था वैसी रोशनी नहीं कर पाया, अंग्रेजी बाजा भी नहीं आया, घर में औरतें बड़ी बिगड़ने लगी। पर सब कुछ हुआ फिर भी मेरा विचार यह था कि आज एक अपूर्व ज्योत्सना से हमारा शुभ समारोह उज्जवल हो उठा। तो दोस्तों, ये थी काबुली वाले की कहानी। देखा जाए तो कहानी बहुत ही सरल है, पर जो इनमें भाव है, जो इस कहानी के भाव हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी में एक छोटी 5 वर्षीय बच्ची और एक बड़ी उम्र के काबुली वाले की दोस्ती का वर्णन है। यह ऐसी दोस्ती है जिसमें कोई भी समानता नहीं हो सकती। ना तो उनकी आयु समान है, ना ही सामाजिक दर्जा, पर फिर भी वो आपस में अच्छे दोस्त हैं और समय के साथ चलते चलते ये दोस्ती गहरी भी होती गई। पर हमने देखा कि जब काबुली वाला 8 वर्षों के बाद वापस आता है, उसके मन में वही भाव होते हैं कि शायद ये वही दोस्ती है जो वह 8 वर्ष पहले छोड़ कर गया था। वो मिनी को आज भी उसी रूप में देखने की आशा रखता था। उसको लगता था आज भी मिनी आएगी और दौड़ते हुए बोलेगी, काबुली वाले ओ काबुली वाले। दूसरा, इस कहानी में पिता और पुत्री के संबंध के बारे में बहुत बारीकी से बताया गया है। बताया गया है कि किस तरह बचपन में जो बेटी अपने पिता के बहुत करीब होती है और पिता उसके सभी अनुभवों को बहुत ध्यान से सुनता है और महसूस करता है, वही बेटी जब एक दिन बड़ी होती है और सगाई के बाद, विदाई के बाद अपने घर जाने लगती है, तो पिता के हृदय में उठने वाले भाव किस तरह होते हैं। उसको ऐसा लगता है मानो जैसे ही वो बेटी बड़ी हुई तो पिता उससे अनजान होता गया।
अर्थात समय के साथ साथ रिश्ते बदलने लगते हैं। समय के साथ नए रिश्ते जिंदगी में आने लगते हैं और कहीं ना कहीं पुराने रिश्ते दूर छूटने लगते हैं। गहरी बात यह भी है कि काबुलीवाला उस बच्ची में हर पल अपनी बच्ची की छवि देखता था। अर्थात जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं या जब भी हमारा रिश्ता किसी से घनिष्ठ होता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ जो संबंध होता है वो दिल के बहुत करीब होता है। और शायद कभी हम अपनों से दूर होकर भी किसी नए चेहरे, किसी नए व्यक्ति के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं जिसमें हम अपना ही खोजने लगते हैं। इसीलिए काबुलीवाला अपने देश अफगान से दूर कोलकाता में भी उस बच्ची में अपनी बच्ची की छवि को ढूंढता था। तो आज की ये कहानी हम सब के दिलों को छूने वाली है और गुरुदेव के द्वारा लिखी गई ये रचना बहुत ही गहरे भावों को व्यक्त करती है और सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या समय का ऐसा असर होता है कि रिश्ते ऐसे बदलते हैं और अपने ही रिश्ते कई बार गैर जैसे लगने लग जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सबको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। बोलते हुए कुछ त्रुटियाँ हुई होंगी, उसके लिए क्षमा, पर ऐसी कहानियों को पढ़कर हमें लगता है कि हमारा साहित्य कितना कितना धनवान है। और अगर हम ऐसी कहानियों में कहीं ना कहीं रोज़ एक नया किरदार ढूंढने निकले तो जीवन जीने का मज़ा ही और हो जाएगा। एक नया अनुभव हर दिन हमारे ज़िंदगी में जुड़ता जाएगा और हमें बेहतर और बेहतर इंसान बनाता जाएगा। कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। उम्मीद करती हूँ फिर मिलेंगे किसी और शुक्रवार को ऐसी ही अच्छी रोचक कहानियाँ लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए फ्राइडे फेवरेट्स।